हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों सीटेट 2019 का आपका एग्ज़ाम जो है वो प्राइमरी लेवल का कंडक्ट हो चुका है। दोस्तों आज का 7 जुलाई को 2019 फर्स्ट शिफ्ट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है प्राइमरी लेवल का। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों मैथ के वो सभी क्वेश्चंस जिनमें जो है आपके जो आज के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से पूरा देखिएगा, जो लोग आज एग्ज़ाम दे कर रहे हैं उनका जो है अपने सारे आंसर आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन सारी क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देखेंगे, कुछ दो तीन क्वेश्चन यहाँ पर सस्पेंस में है वो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली बता दूंगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर के बटन को प्रेस कर आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में दबाइए इस बेल आइकन को, इससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। तो आज का सबसे पहले लास्ट से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 60 वाला आपका है, 72 × 28 बराबर है आपका 36 × 4 × x मान लिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए 72 × 28 बराबर हमने मान लिया 36 × 4 × x, ठीक है। अब इस x की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं तो 36 × 72 दो से कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 2 से इसके बाद कैंसिल होगा, 2 × 4 और ये कितना हो गया 14, ठीक है। यानी x बराबर कितना आ गया हमारा 14 आ गया, यानी कि इसकी जगह जो है रिक्त स्थान की जगह कितना हो गया हमारा 14 हो गया। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन देखा 7 का गुणज है, जी हाँ 7 का गुणज है, ठीक है। 7 × 2 = 14 होता है, 7 आता है, ठीक है। एक अभाज्य संख्या है, नहीं बिल्कुल गलत है, अभाज्य संख्या नहीं है। 10 से कम है, बिल्कुल गलत है, 10 से कम नहीं, 10 से ज़्यादा है। एक सम संख्या है, ये भी सही है। और 56 का गुणनखंड है, जी हाँ 14 × 4 = 56, 56 का जो है वो गुणनखंड है। यानी कि आपका ए डी और ई ये तीनों जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे। और देखते हैं इसमें इसी क्रम में कौन सा आंसर है, तो ए डी और ई आपका जो है कौन सा वाला दे रखा है, ए डी और ई ऑप्शन नंबर थर्ड वाला आपका इसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें 100% एक्यूरेट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन था आपका दोस्तों ये वाला, क्वेश्चन नंबर 59 है, कक्षा में चतुर्थांश 1/4 की संकल्पना समझाने के लिए अध्यापक को कौन से उचित अनुक्रम का अनुसरण करने की आवश्यकता है। अब देखिए यदि आप टीचर हैं तो आपके 1/4 जो है चतुर्थांश में कैसे समझाएंगे बच्चों को, ये है क्वेश्चन। कि देखिए पहले तो आप करेंगे कि चतुर्थांश के प्रत्येक को प्रतीक को श्याम पट पर लिख देंगे, मतलब जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर लिख देंगे आप चतुर्थांश को, इस प्रकार से बनाएंगे उसके 4 अंक बना देंगे, ठीक है। अब सेकेंड वाला क्या है आपका, ठोस पदार्थ को लेकर उसे चतुर्थांशों में डिवाइड करेंगे आप, ये भी एक ट्रिक हो सकती है, दोनों ही ट्रिक हो सकती हैं, ठीक है पढ़ाने का। थर्ड है आपका चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाना, तो देखिए इनमें से तीनों ही जो है ये यहाँ पर हो सकता है। अब इसका जो है इसका उचित अनुक्रम आपको बताना है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर जो है चतुर्थांश को प्रदर्शित करने वाले चित्र दिखाएंगे बच्चों के, देखिए ऐसे जो है वो चतुर्थांश बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद जो है आप उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे, ठीक है। ब्लैक बोर्ड पर लिखने के बाद आपका जो है वो चतुर्थांश को जो है आप उनको ठोस पर जो है प्रैक्टिकली बच्चों को समझाएंगे। तो उसके इसी क्रम में कौन सा उत्तर है, सी ए और बी वाला, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, सी ए बी 100% एक्यूरेट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट है आपका, हाँ ये दे रखा है, इस क्वेश्चन को दोस्तों सस्पेंस में है, मैं भी थोड़ा सा आपको देखता हूँ क्वेश्चन इसका। नेक्स्ट आपका देखिए, निम्नलिखित में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित दोनों की रेखाएं हैं। तो देखिए एक्स आपका, देखिए दोनों जो है वो विकर्णीय रेखाएं हैं, ये तो नहीं है आपका, ठीक है। फिर आपका आता है सी, ये आपका अर्धगोलाकार है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है वाई, तो दोनों यहाँ पर जो है वो विकर्णीय रेखाएं हैं, एक हाफ विकर्ण है और एक फुल्ली विकर्ण है। लेकिन दोस्तों यदि ए जो है आपका, देखिए ए में जो है आपका क्षैतिज भी है, देखिए क्षैतिज आपका ये वाली हो गई और ऊर्ध्वाधर जो है आपकी ये वाली दोनों लाइन हो गई, ठीक है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों सममित इसमें है, ए में है, ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है दोस्तों, वर्ग का परिमाप होता है आपका 4a, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना होता है 4a, तो उसकी परिमाप देखिए कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि वर्ग की भुजा जो है वो दुगनी कर दी, वर्ग की भुजा कितनी कर दी 20 कर दी, ठीक है। अब उसका परिमाप क्या हो जाएगा, तो फिर 4 से गुणा कर दीजिए इसको, 4 × 8 यानी कि 80 हो जाएगा। तो पहले परिमाप था हमारा 40, दुगनी कर दी भुजा, परिमाप कितना हो गया 80 हो गया। तो ये किसका दुगना हो गया, नहीं भी 40 का दुगना तो हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा आपका, ठीक है। भुजा बढ़ाने भुजा जितने गुना होगी परिमाप भी उतना गुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं कौन सी संख्या हूँ, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ, ठीक है। ये 2 अंकों की सम संख्या है
और मैं 3, 4 और 6 का गुणज हूँ, यानी कि यदि आपको इसका एलसीएम आप यहाँ पे ले लें तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 12, यानी कि वो जो संख्या होगी वो 12 से डिवाइडेबल होगी। ठीक है, वो ये बात तो हमें पता लग गया कि दो अंकों की संख्या होगी और 12 से डिवाइड होगी। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं और उसके जो है संख्या के 9 गुणनखंड भी होंगे। अब देखिए, पहले तो ये देखिए 12 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड हैं, 24 भी, 36 भी और 48 भी डिवाइड है, यानी ये नहीं है 56। ठीक है, अब देखिए किसके कितने गुणनखंड हैं। ठीक है, दोनों दो दो अंकों की संख्याएं सारी सम संख्याएं हैं, ये बात सही है। और लास्ट वाला ट्रिक देख लेते हैं कि तीन ये आपके 9 गुणनखंड किसके हैं। तो 9 गुणनखंड दोस्तों इसमें जो है 48 के हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हैं। 48 का एक तो एक गुणनखंड हो गया, फिर आपका 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा आपका ये, और उसके बाद 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर आपका 8 से डिवाइड हो जाता है, और बात करें इसका फिर उसके बाद होता है आपका 12 से डिवाइड हो जाता है, फिर आपका 24 से डिवाइड हो जाता है, और आपका 48 से भी डिवाइड हो जाता है। 3, 3, 6 और 3, 9 आपके इसके 9 गुणनखंड हो गए। मैंने आपको यहाँ पर सारे गुणनखंड गिनवा दिए, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आशा घर के खर्च में से कुछ रकम बचाकर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है। प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को 50 रुपये, बुध को 100 रुपये और शुक्र को 80 रुपये बचाती है और रविवार को 60 रुपये खर्च कर देती है। उसने 5950 रुपये मोबाइल खरीदने के लिए कितने सप्ताह बचत करनी होगी। तो देखिए एक सप्ताह के निकाल लेते हैं सारे। इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखिए बचाए कितने रुपये उसने, 50 रुपये सोमवार को, 100 रुपये बुधवार शुक्रवार को और 80 रुपये एक सप्ताह में दिन में चालिए। कितने हो गए आपके इसमें, 8 और 5, 13 और ये आपके कितना हो गया, 230 रुपये हो गए आपके। ठीक है, इसमें से 60 रुपये खर्च कर देती है हर हफ्ते, तो 230 माइनस 60 कितने हो गए आपका, ये हो जाएगा आपका 170। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 170 इसमें आपका हो जाएगा। अब देखिए एक सप्ताह में 170 रुपये उसको बचते हैं, तो 5950 को आप भाग दे दीजिए 170 से। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आप 70 से डिवाइड करेंगे इसको तो 595 को 70 से आप डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 17 51 कितना बचेगा, यहाँ पर यहाँ बचेगा आपका 8 और इसमें हो जाएगा 85 हो जाएगा और 17 5 हो जाएगा 85, यानी कि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 हफ्ते तक जो है आशा को मोबाइल खरीदने के लिए बचत करनी होगी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बीकर में के 3/7 भाग में पानी है। बीकर को ऊपर तक पानी से भरने के लिए 10-16 लीटर की पानी की आवश्यकता है। बीकर की धारिता कितनी है। तो देखिए ऊपर तक यदि बीकर फुल होता तो 16 लीटर का होता। ठीक है, अब वो 3/7 में पानी है, 3/7 से इसको गुणा कर देनी थी। सॉरी एक मिनट, ये कह रहा है कि 3/7 भाग में पानी है और ऊपर तक भरने के लिए 16 लीटर की आवश्यकता है। तो अब ये देख लीजिए एक ही तो हिस्सा होता है, मान लीजिए पूरा हिस्सा जो है वो एक है। अब इसमें से 3/7 को घटा दीजिए आप यहाँ पर, तो 7 * 7 = 4/7, यानी कि ये किसके बराबर हुआ आपका, ये बराबर हुआ आपका 16 लीटर के। ठीक है, 4/7 बराबर है आपका, क्योंकि इतने लीटर जो है आपका 16 लीटर के बराबर है। इतना यदि पानी और होता तो पूरा भर जाता। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, 4 * 16 = 7 * 28, यानी कि कितने लीटर का है, टोटल 28 लीटर का है। ठीक है, 28 लीटर का हमारा बीकर है। अब उसके 3/7 भाग, तो हमें पूछा क्या है कि बीकर की धारिता क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 लीटर, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला इसमें आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं। एक दुकानदार ने 5.3 किलोग्राम बादाम, 2100 ग्राम किशमिश और 2200 ग्राम जो है वो आपका काजू मिला दिया। इस मिश्रण के बराबर बराबर दर्जन में 2 दर्जन पैकेट बना दिए गए, प्रत्येक पैकेट का कितना भार होगा। देखिए पहले तो आपका जो है किलोग्राम में तोड़ लीजिए सबको, 5300 ग्राम हो जाएगा, फिर आपका 2100 ग्राम हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2200 ग्राम। कितना हो जाएगा आपका, 3 * 4 = 2 = 6 5 * 2 = 7 * 2 = 9, यानी कि 9600 ग्राम आपका इसमें हो जाएगा, कितना टोटल जो वेट होगा इसका। ठीक है, अब कितने सामान के जो है वो 2 दर्जन पैकेट बना दी गई, यानी कि 24 पैकेट बना दी गई। ठीक है, हुआ कितना था हमारा, 9600 हुआ था और 24 पैकेट बना दी गए इसके, 2400 आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 2432 और 2400 * 96, तो यानी कि प्रत्येक पैकेट जो है उसका वजन कितना था, 400 ग्राम उसका प्रत्येक पैकेट का वजन था। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पेपर था दोस्तों, बहुत ही आसान पेपर था। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं अवरोही क्रम में निरूपित हैं। दोस्तों एक बात आपको बता देंगे कि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करना है, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आपको, यही आप लोगों का मानिए सपोर्ट होता है। अवरोही क्रम में आपको लगाना था, सबसे बड़ी संख्या 30.5 है, तो देखिए इसमें तो आपका हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें 30.5 पीछे चला गया, ये तो हो नहीं सकता।
अब देखिए इनमें सबसे पहले 30.5 ही है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब में 30.5 है, सेकंड वाला 3.5 3.5 3.50। अब देखिए ये जो है इन 3.5 बड़ा होता है 3.500 मान लीजिए आपको, ठीक है, तीन दर्जन तक देखा ना पॉइंट के, तीन बात तक दे रखा है तो 3.500 मान लीजिए, लेकिन 3.05 तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, इसे भी आप काट दीजिए। अब इन दोनों आपको देखना है 3.055 यानी ये हो गया आपका 3.055, ठीक है, और ये कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 3.050 यानी 3.050, और ये हो गया आपका 55, तो यानी कि ये आपका जो है ये भी गलत हो गया। इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, डेफिनेटली 100% श्योर आंसर है। एक क्वेश्चन था आपका दोस्तों, दिल्ली चेन्नई की जो एक गाड़ी जो है वो दिल्ली से चलती है चेन्नई के लिए, और सारणी उसकी ये दे रखी है, तो इसमें पूछा कि कथन क्या कह दे रखे हैं। पहले सीधे सीधे हम कथन पढ़ते हैं, नागपुर से चेन्नई की यात्रा का समय 15 घंटे 10 मिनट का है, नागपुर से यदि गाड़ी चली आपका 5:25 पर और चेन्नई पहुंची आपका 20:45 पर, ठीक है, तो देखिए घंटे में से घंटा घटाते हैं, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 घंटे हुआ, 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 मिनट हुआ, 15 घंटे 20 मिनट, यानी कि ये गलत उत्तर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 11 घंटे 30 मिनट का है, नई दिल्ली से नागपुर की यात्रा का समय 3:55 पर चली ट्रेन और नागपुर पहुंची आपका 5:25 पर, ठीक है, 5:25 पर, तो देखिए 15 से जो है 24 तक जब चली होगी ट्रेन तब कितना समय हो गया, आप 16 से मानिए इसको, ठीक है, आप यहाँ पर चलिए 15 से मानिए, 15 से लेकर और 24 तक आपका 9 घंटे ट्रेन ये चली, और जबकि 5 घंटे ये है तो 9 और 5 कितना हो गया आपका 14, ये भी आपका गलत उत्तर हो गया। सेकंड देखते हैं आपका, भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट का है, भोपाल से चेन्नई तक की यात्रा का समय देखिए 23:55 पर चली है, 24 मानिए आपको इसको, ठीक है, 24 मानिए, और 8:45 पर पहुंच गई, यानी कि अगले दिन जो है वो 20:45 पर पहुंच गई, तो इसका जो है क्या हो गया यहाँ पर आपको, तो इसमें आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, देखिए भोपाल से चेन्नई की यात्रा का समय 21 घंटे 40 मिनट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी आपके सुझाव दोस्तों सादर आमंत्रित हैं, एकदम से आपका वीडियो बनाया जा रहा है तुरंत से, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। 50 में से जो है एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग कितना है। मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या एक्स है, ठीक है, अब ये संख्या जो है वो 50 में जोड़ी गई, ये 50+x हो गया, वही संख्या जो है 50 में से घटाई दी जाती है, यानी कि 50-x, अब इन दोनों संख्याओं को जो है वो जोड़ दिया जाता है यानी प्लस कर दिया जाता है, तो इस एक्स से तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, 50+50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, और दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो पार्सल, देखिए पार्सल वाला सवाल है यहाँ पर, दीपा एक डाकघर में पत्र और डाक पार्सल के लिए भेजती है, पार्सल डाक की दरें निम्नलिखित हैं, पत्र का भार देखिए 20 ग्राम है, उससे अधिक होगा तो 5, उससे कम होगा तो 5 रुपये प्रति पत्र, और प्रत्येक अतिरिक्त भार पर 20 ग्राम के लिए 2 रुपये, ठीक है, और पार्सल का भार जो है वो ये रखा है आपको, तो दीपा ने दो पार्सल भेजे 250 ग्राम और 300 ग्राम के, पहले पार्सल का आप रुपये कर लीजिए, देखिए पहले 50 ग्राम का जो है जो आपको 250 ग्राम वाले निकालने हैं, पहले पैसे 50 ग्राम वाले के लिए कितना होंगे आपका 5 रुपये होंगे, फिर बचा आपका 200 ग्राम अतिरिक्त भार, तो अतिरिक्त भार 50 ग्राम के लिए कितना है 3 रुपये, कितना बार हो गया आपका इसमें 5 चौक 20, 4 3 12 रुपये, तो 12 और 5 17 रुपये तो हो गए आपका 250 ग्राम वाले के लिए, ठीक है, 17 रुपये हो गए आपका 250 ग्राम वाले के लिए, आप 300 ग्राम वाले के निकालिए, 5 रुपये इसके हो गए 300 ग्राम वाले के लिए, पहले 50 ग्राम के लिए, फिर 250 ग्राम भार जो है वो ज़्यादा है, तो ये 5 5 25 पाँच बार हो गया, 5 3 15 3 रुपये का है ना, तो 5 3 15 यानी कि 15 रुपये हो गए इसके, 15 और 5 20 रुपये तो हो गए आपका पार्सल हो गए इस वाले 300 वाले के, 7 7 और 2 और 1 3 37 रुपये तो हो गए आपका किसके वाला पार्सल के, ठीक है दोनों। अब नेक्स्ट देखिए पत्र, देखिए 20 ग्राम का है, 20 ग्राम के पत्र के लिए कितने रुपये हैं आपको, सीधा सीधा यहाँ पर लिखा हुआ है 5 रुपये हैं, ठीक है, तो 37 रुपये वो थे और 5 और जोड़ दिए कितने हो गए 42 रुपये हो गए, ठीक है, एक 35 ग्राम का पत्र है, 35 ग्राम के पत्र के लिए पहले 20 ग्राम के लिए कितना है 5 रुपये है, ठीक है, और बाद में कितना बचा इसमें से 15 ग्राम और बचा, तो 15 ग्राम देखिए प्रत्येक 20 ग्राम के लिए 2 रुपये हैं, तो पूरे 2 रुपये यहाँ पर लेगा वो, 2 रुपये इसमें और दीजिए, 5 और 2 7, और पहले कितने थे आपका 42 रुपये थे, यानी आपका जो है वो लगभग 49 रुपये, इसमें आपका राइट आंसर
हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री वाला, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थ्री वाला। चलिए अंकों 2, 3, 4, 6, 7, 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है और आपको ये बताना है कि योग पर अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं 8 को रखता हूँ, फिर इसके नीचे 7 को रखता हूँ, फिर यहाँ पर 6 को रखता हूँ और यहाँ 4 को रखता हूँ, यहाँ 3 को रखता हूँ और फिर यहाँ 2 को रखता हूँ। तो यहाँ पर आपका इसमें राइट आंसर कितना हो जाएगा, आप जब इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5, 6 4 0, यहाँ से लगा 1, 8 और 7 15 और 1 16, 16 से 5 आपका इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपका देखिए तीनों में से कोई संख्या नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 18 से ही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। तो कुछ नहीं करना है, 4 से गुणा कर देना है, पहले से आप सामान्य भिन्न में बनाइए, 18 चौक 72 और 3 कितने हो जाएगा आपका 75/4 हो जाएगा, 4 से गुणा कर देंगे क्योंकि चतुर्थांश में 4 थांश होते हैं, 4 से कैंसिल हो जाएगा, एक का राइट आंसर हो जाएगा 75, ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र जो है वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं, 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं, बाकी तैराकी खेलते हैं, तो वॉलीबॉल यदि वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। देखिए वॉलीबॉल खेलने वालों की संख्या 1/4 छात्र जो हैं वो वॉलीबॉल खेलते हैं, ठीक है, और वॉलीबॉल जो है 160 छात्र खेलते हैं, तो मान लिया हमने टोटल छात्र जो है वो एक्स हैं और 1/4 के जो है वो वॉलीबॉल खेलते हैं, कितने छात्र हैं 160 छात्र हैं, 4 से गुणा कर देंगे 16 चौक 64, यानी कि कुल मिलाकर 640 छात्र हैं, ठीक है। अब आपने पूछा कितने छात्र जो है शतरंज खेलते हैं, तो शतरंज का जो है वो आपका 1/16 है, तो 640 तो कुल बच्चे हैं, शतरंज कितने खेलते हैं 1/16, 16 से डिवाइड कर लेना, 16 चौक 64, 40 बच्चे आपका जो है वो शतरंज खेलते हैं, ऑप्शन नंबर आपका इसमें डी वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 वाला, ठीक है, 40 बच्चे शतरंज खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। नंबर 1, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, सबसे कौन सी विशेषता नहीं है, देखिए एक होता है आपका छात्रों के त्रुटियों के प्रतिरूपों का केंद्रित होना, देखिए ये जो है ये आपका छात्रों की यदि कोई गलती करते हैं तो उनके प्रतिरूपों को केंद्रित होना, तो ये तो आपका शिक्षण का नियम होगा। प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, जो डेली लाइफ के आपके रूटीन एक्सरसाइज होते हैं उनके साथ संबंध आपको बनाना है, ठीक है, ये आपको स्टूडेंट को बताना कि ऐसे आके आपका इस मैथ का यहाँ पर जो है आपके जीवन में ये यहाँ पर काम है इसका, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो 43 का आपका जो है ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा आपका 4 वाला। दोस्तों मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो मैं फटाफट से आपको जो है डायरेक्टली आंसर यहाँ पर आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, इसको गुणा जो करने हैं कि संकल्पना को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम साधन उचित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए डाइनिस ब्लॉक्स, डाइनिस ब्लॉक्स आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2008-05 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम किस प्रकार का होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए छात्रों को प्रोग्रामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, कक्षा 6 का आपका पाठ्यक्रम। नेक्स्ट देखते हैं आपका, वन हिले के स्तर पर जिस विकास की अवस्थाओं को संकेत करते हैं वह है। तो देखिए इसका राइट आंसर दोस्तों मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, तो मैं आपको थोड़ी बहुत देर में आपका इसका राइट आंसर जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में डालकर पिन कर दूंगा, आप यदि जानते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा गणित में हल करने का एक कौशल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले तो विवेचना करना, चर का देखिए जो कंठस्थ करना होता है ना, कंठस्थ करना तो हो ही नहीं सकता, गणित में कंठस्थ नहीं होता है। नेक्स्ट आपका विवेचना करना, चर का प्रयोग करना और प्रतिरूप देखना, ये हो सकता है, और एक बार और देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना और रट लेना, तो रट लेना तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 39 का आपका दूसरा बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, एक छात्र को जो है कक्षा 6 के छात्र के छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिया जाता है, 25 टाइल को सभी संभव आयताकार व्यूहों में व्यवस्थित करें,
इस कार्य से निम्नलिखित में कौन सी गणितीय अवधारणाओं को संबोधित किया जा सकता है? तो देखिए, जो क्षेत्रफल की संभावनाएं होती हैं आपका, वो होता है क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन। ऑप्शन नंबर दो सर वाला इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन क्या है? दोस्तों, इसका भी क्वेश्चन मैं आपको जो है ये आपको नीचे मैं कमेंट बॉक्स में डालकर पिन कर दूंगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपके जो बनते जा रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर आंसर करता जा रहा हूँ। योग पर निम्नलिखित शाब्दिक समस्याओं को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 है। एक टोकरी में 15 संतरे हैं, दूसरी में 17 हैं, सब मिलाकर कितने संतरे हैं? तो ये आपका जो संवर्धन योग है, सीधा आपका जो है वो सामान्य योग है, ठीक है? तो ये आपका समुच्चयन समता होगा, क्योंकि दोनों ही एक ही चीज़ है, ठीक है? दोनों ही प्रकार के संतरे हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका देखिए, एक जो है 9,950 रुपये वाले मोबाइल की फ़ोन की कीमत में बजट के बाद 375 रुपये वृद्धि हो गई, तो नई कीमत कितनी होगी? तो ये भी आपका जो है वो संवर्धन जोड़ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए जो है वो समुच्चय जोड़ है और बी जो है वो आपका संवर्धन योग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए ही वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ए समुच्चय और बी संवर्धन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है आपका? कंठस्थ करना गणितीय प्रक्रम नहीं है, क्योंकि गणित को कभी भी कंठस्थ नहीं किया जा सकता, गणित को केवल समझा जा सकता है। नेक्स्ट आपका संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो देखिए, संख्यांक जो होता है ना, संख्या का अंक, संख्यांक मतलब क्या होता है? संख्या प्लस अंक, मतलब कोई सी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अंक लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? संख्यांक कहते हैं। तो उसके यहाँ पर देख लीजिए, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों को द्वारा प्रदर्शित किया सकता है, ये गलत है दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप जो है वो 5 लिखते हैं, ठीक है, 5 क्या है? एक संख्या है और एक संख्या अंक भी है, ठीक है, संख्यांक भी है। क्या आप 5 को जो है किसी और संख्यांक से प्रदर्शित कर सकते हैं? क्या आप 5 को 2 लिख सकते हैं, 2 संख्यांक लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए शुद्ध है और बी अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर एक वाला आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्गीकरण। वर्गीकरण जो है वो प्रारंभिक संख्या की संकल्पना से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आपका देखिए, कक्षा 3 के छात्र को 16×25 का गुणन दिया गया, गुणा करने को कहा गया, तो उसने इस प्रकार से गुणन किया। देखिए, इसने जो है वो टुकड़ों में तोड़ दिया, ठीक है, यानी 16 को 8×2 लिखा, 25 को 5×5 लिखा। तो यहाँ पर जो है देखिए, 8×5 लिखा, 8×5=40 और 5×2=10, यानी कि 400 ने आपका आंसर दिया। आंसर बिल्कुल ठीक है, और नियम जो लगाया गया है इसमें वो लगाया गया है एसोसिएटिव लॉ। इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ और हिंदी में कहते हैं इसको सहचार्य नियम। सहचार्य नियम आपका सहचार्य सिद्धांत। ऑप्शन नंबर आपका एक वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, समावेशित विद्यालय में आप अपनी कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उन्हें जो है वो शिक्षण अधिगम की वैकल्पिक प्रणालियों और साधन का प्रयोग कराकर आप उनके जो आप जो दृष्टिबाधित छात्र हैं उनको जो है वो शिक्षा दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। तो यही थे दोस्तों आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, आपका जो हमने 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए, आपके दो तीन क्वेश्चन सस्पेंस में हैं। मैं उनका जो है वो राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में डालकर आप पिन कर दूंगा, थोड़ी देर में जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा। तो दोस्तों, जो आपका सेकंड जो है वीडियो होगा वो आपका पर्यावरण का होगा, और नेक्स्ट जो आपका होगा लैंग्वेज सब्जेक्ट का होगा। मैं आपको सभी वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा एक एक करके, और जो शाम के टाइम में जो है वो आपका अंतिम वीडियो होगा, वो उसमें आपको पूरे 150 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व किए जाएंगे बिल्कुल सटीक उत्तर के साथ साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट है दोस्तों। और वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।